मेरे पास बहुत अजीब अजीब सवाल आते हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अजीब होंगे तो अजीब ही लगेगा ना, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं तो और भी ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में सोचते होंगे, तो क्यों ना उन लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए। मेरे पास सवाल आया है कि क्या इंटरनेट कभी फुल हो सकता है, क्या इंटरनेट का जो स्टोरेज है कभी फुल हो सकता है, क्या इंटरनेट कभी ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ एक बार ख़त्म हो जाएगी, क्या जो हमारा डेटा है जो हमें प्रोवाइडर देता है। एक लड़की से मैंने बोलते हुए सुना, वो ये बोल रही थी कि जियो हमें इतना डाटा फ्री में दे देता है, इतना ज़्यादा सस्ता दे देता है, यू नो, तो ये डेटा इतना सारा उनके पास आता कहाँ से, दूसरी वाली कंपनियों के पास डेटा नहीं है क्या इतना। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब ऐसे लोगों को समझाना भी है तो कैसे समझाएं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहली बात कि क्या इंटरनेट कभी फुल हो सकता है, उसका स्टोरेज थोड़ा भर सकता है क्या कभी, मतलब सब भर गया अब और नहीं स्टोर हो सकता, और YouTube की वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, और वेबसाइट पे पोस्ट नहीं लिख सकते, Facebook पे और फोटो अपलोड नहीं होंगे क्योंकि इंटरनेट फुल हो गया। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट तो एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, मतलब आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स और अब IoT डिवाइसेस भी जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूरे इंटरनेट का निर्माण करते हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क, एक जाल है, आपस में जुड़े हुए जो कंप्यूटर्स हैं वही सर्वर्स, कंप्यूटर्स, IoT डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, वही इंटरनेट को बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फुल हो सकता है, यहाँ पर ये कहना सही होगा कि कंप्यूटर्स क्या फुल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर बात आती है स्टोरेज की, स्टोरेज डिवाइसेस जो आपके पेन ड्राइव हैं, जो सर्वर में हार्ड डिस्क लग रही हैं, जो SSD लग रही हैं, और जितने भी मतलब CD है आपकी, आपका पेन ड्राइव, कार्ड, यू नो, फ्लॉपी, जितनी भी स्टोरेज मीडिया, कुछ भी जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ, अगर मैं सिर्फ बात करूँ मेमोरी कार्ड का एग्जांपल देके, तो स्पेस तो वो इतना ही लेता है, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 2 GB का कार्ड भी इतना ही बड़ा होता है और 32 GB का कार्ड भी इतना ही बड़ा होता है, तो क्या है, स्पेस उतना ही है लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेट फुल हो जाए। और एक बात एक और है, जितना डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं उतना स्टोर नहीं करते नहीं करते, ये सच बात है। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे, जिस हिसाब से, ये मेरी प्रेडिक्शंस है, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता पूरे 100% की भैया ऐसा होगा ही, फ्यूचर है, फ्यूचर को कोई नहीं बता सकता। तो ये प्रेडिक्ट किया जाएगा कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से हम कम कम स्पेस पे भी, कम कम फिजिकल स्पेस में और ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास आने वाले सालों में, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डेटा आप स्टोर करो इंटरनेट पे, इंटरनेट चलता रहेगा, इंटरनेट बंद नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट बंद होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट के IP एड्रेस होती है, और वो 4 खंडों में बांटी जाती है। मैं IP वर्जन 4 की बात करता हूँ, जैसे 241.2.268.2.8 ऐसे करके जो होती है ना, 4 IP एड्रेस होती है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगी, मतलब सारे जितने भी डिजिट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो ऑलरेडी किसी वेबसाइट को असाइन किए गए हैं, तो आगे बचेगा नहीं। ये प्रॉब्लम आएगी, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है IP वर्जन 6, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिजिट्स में बांटा हुआ होता है, अलग बिट्स ऑफ डेटा होते हैं, तो उससे हिसाब से वो स्टोर किया जाता है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आखिरी सवाल जो एक लड़की ने पूछा था कि इस जियो के पास इतना डेटा आता कहाँ से, मतलब और कंपनी के पास नहीं है क्या। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कोई स्टोरेज स्टोर करने की जगह नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का एक मीडियम है। इंटरनेट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये एक तरीका है, ये एक चीज़ है जो कि सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, समझ गए मेरी बात आप। तो ये जो डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये असल में कोई डेटा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उस सर्विस का, जो सर्विस मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, जो डेटा का आदान और प्रदान हो रहा है, उस सर्विस का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो GB और MBs होते हैं उसी बात को बताते हैं। आपको जियो में अगर 2 GB डेटा मिलता है, तो ये 2 GB एक लिमिट है कि आप उस इंटरनेट का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी को ये GB और ये डेटा के फॉर्म में मेजर किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ग्लास पानी है और आप पी गए और वो ख़त्म हो गया। डेटा आपके लिए ख़त्म होता, उनके लिए तो एक सर्विस है, आपको एक मीडियम दे रहे हैं इंटरनेट सर्फ करने का, सिंपल एज दैट। अब यहां पर बोलते हैं तो ये हमें चार्ज क्यों करते हैं, तो ये चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो मशीनें होती हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनको जो जॉब करते हैं, उनकी कंपनी में सैलरी देनी होती है,
तो वो पैसा कहाँ से आएगा? और उनका जो रख रखाव करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, ये सारी चीज़ें होती है, नए टावर लगाने होते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी होती है, उन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है और वो इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पैसा ले रहे। अब आप बोलेंगे क्या, अभी एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कितने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या इंटरनेट कभी फ्री हो सकता है? ज़रा सोचिए, क्या इंटरनेट कभी फ्री हो सकता है? हो सकता है। कब? जब ये इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है, इसके ट्रांसमिशन में कोई भी, जिसको डिलीवर करने में, आप तक, हम तक इंटरनेट पहुंचाने में कोई पैसा खर्चना हो या कोई मीडियम ऐसा हो जो फ्री हो, जैसे कि हवा, हवा के थ्रू जो आप रेडियो सुनते हैं, यू नो, वो तो फ्री तो ही होता है। रेडियो के डिलीवर करने के हवा के चार्ज तो नहीं लेते कि भैया आप जो वातावरण इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे तरंगे उड़ के आ रही हैं, रेडियो वेव्स, उसके आपको पैसे देने का नहीं तो देने पड़ते। तो वहाँ से वो डायरेक्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं, बीच में डिलीवर करने वाला कोई नहीं है। आप बात जानते हैं कि जियो जो है वो कॉन्टेंट बनाता नहीं है, वो इंटरनेट बनाता नहीं है, बस आप तक पहुँचाता है। तो पहुँचाने का काम कर, डिलीवरिंग का जो है वो आपसे पैसा लेता है। तो अगर रेडियो है उसको डिलीवर करने का तो कुछ नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट आपके रेडियो सेट्स पे आता है ना। तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो इंटरनेट भी फ्री हो सकता है। जी हाँ, इंटरनेट फ्री हो सकता है। क्या इंटरनेट का कोई अंत होगा? जी हाँ, इंटरनेट का अंत होगा, ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। जिस चीज़ का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, उसका अंत भी होगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम भेजते हैं? मैं वो टेलीग्राम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेलीग्राम भेजे जाते थे पहले, कोई नहीं भेजता आजकल, ठीक है? तो वो भी तो एक टेक्नोलॉजी थी। ऐसे ही इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी है। मैटर करता है कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी नहीं। कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हों और आदान प्रदान कर सके इंफॉर्मेशन का, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक चीज बनाई गई, इंटरनेट। ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई और चीज बनाई जाए जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करे इंटरनेट से भी फास्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से, तो इंटरनेट को वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी और उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। तो इंटरनेट तो खत्म होगा, इवन ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ये तो सच बात है, ये प्लैनेट भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये कहना ही गलत है कि हमेशा चलेगा इंटरनेट। आई होप इंटरनेट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मैंने आज आपको दी जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके दिमाग में भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हैं आप इंटरनेट के बारे में, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं तो ऐसे क्वेश्चन का इंतजार करता हूं, मैं ऐसे लोगों का इंतजार करता हूं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मोबाइल फोन के बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो अलग सोचते हैं, कुछ अलग सवाल हैं जिसके लिए मुझे भी 10 बार अपना दिमाग दौड़ाना पड़े और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़े। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, सच बता रहा हूं मैं। तो कोई भी स्टूपिड, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे जरूर पूछिए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हैकर बनना चाहते हैं, कैसे शुरू करेंगे? तो बिगिनिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक कोर्स हिंदी में बनाए हुए हैं, 2 कोर्स बनाए हुए हैं, साथ ही बोनस कंटेंट डाला हुआ है, प्रैक्टिकल दिखाए हुए हैं आपको कि आप एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को लाइक करने को कोई पैसे नहीं लगेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो बस लाइक बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।